हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारे लेक्चर का टॉपिक है फ्रोजन फूड्स। फ्रोजन फूड्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। फ्रोजन फूड्स, सबसे पहले प्रिंसिपल पे आते हैं। फ्रोजन फूड्स आर प्रिजर्व्ड बाय फ्रीजिंग। ये ऐसे फूड्स होते हैं जिनको फ्रीजिंग के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है, एंड स्टोरिंग एट टेम्परेचर्स कूल्ड इनफ टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसा टेम्परेचर रखा जाता है कि वो इनफ हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। इसके साथ ही टू रिटार्ड केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शंस, ताकि केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस को रोका जा सके टू अ नेग्लिजिबल रेट। कुल मिला के यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो फूड होते हैं उनको फ्रीज करके प्रिजर्व किया जाता है ताकि कोई भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को रोका जा सके, या फिर किसी भी तरीके की केमिकल या फिजिकल रिएक्शंस हो रही हैं तो उनको रोका जा सके। क्विक फ्रोजन फूड स्टफ्स। क्विक फ्रोजन फूड स्टफ्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज दोज फूड्स That are subjected to the quick freezing। ये ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि क्विक फ्रीजिंग के लिए होते हैं। क्विक फ्रोजन का मतलब ही होता है कि इंस्टेंटली उनको फ्रीज करना। इन विच द टेम्परेचर जोन ऑफ मैक्सिमम क्रिस्टलाइजेशन इज स्पेंड एज रैपिडली एज पॉसिबल एंड द प्रोडक्ट इज देन हेल्ड आफ्टर थर्मल स्टेबिलाइजेशन एट अ टेम्परेचर ऑफ -18 डिग्री सेंटीग्रेड और लोअर। होता क्या है, इसमें जो टेम्परेचर जोन होता है मैक्सिमम क्रिस्टलाइजेशन के लिए, फ्रीज किया जाना है तो इसीलिए कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम क्रिस्टलाइजेशन किया जा सके, मतलब कि क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो। क्रिस्टल का फॉर्मेशन कब होगा, जब चीज़ फ्रीज हो जाएगी। तो मैक्सिमम क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो टेम्परेचर जोन होता है उसमें उसको जितना जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी प्रोडक्ट को रखा जाता है उस टेम्परेचर रेंज में, और फिर थर्मल स्टेबिलाइजेशन के बाद में उसको -18 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर इससे भी ज़्यादा कम टेम्परेचर पे फ्रीज कर दिया जाता है। सम जनरल पॉइंट्स आर हियर। हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट HACCP एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि वर्क होता है कि वो फूड की सेफ्टी, फूड की इंटीग्रिटी और लीगैलिटी को कंट्रोल करे, और साथ ही जो फूड है, फूड जो कंज्यूमर्स तक पहुँच रहा है उसके पहुंचने तक, जब से बना है तब से पहुंचने तक के हर स्टेप पर वो चीज़ों को प्रीव्यू करता रहे। तो जो हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है शुड बी यूज्ड एज अ मैनेजमेंट टूल। इसको एज अ मैनेजमेंट टूल हेल्प किया जाना चाहिए टू डेवलप अ HACCP प्लान, ताकि एक हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का प्लान बनाया जा सके। एंड एसोसिएटेड फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके साथ ही जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एसोसिएट होता है और साथ ही जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एसोसिएट होता है उसको बनाया जा सके। नेक्स्ट आता है पर्सनल एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज। पर्सनल और पर्सनल मतलब जो लोग वहाँ पे वर्किंग में इन्वॉल्व हैं, और साथ ही वहाँ पे जो टेस्टिंग की प्रोसेस की जा रही है उस टेस्टिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन फैसिलिटीज़ का कैसे क्या करना रहता है। सो पर्सनल इंगेज इन मैनेजमेंट प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल एंड मेंटेनेंस शुड रिसीव द नेसेसरी ट्रेनिंग। जो लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जो कि मैनेजमेंट कर रहे हैं चीज़ों का, जो कि प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, जो लोग क्वालिटी कंट्रोल में लगे हुए हैं या जो मेंटेनेंस में लगे हुए हैं, क्वालिटी मेंटेनेंस कंट्रोल, तो ऐसे लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। नेसेसरी ट्रेनिंग, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जो भी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, एंड कन्फर्म टू द मेडिकल एंड हाइजीन रिक्वायरमेंट्स। और इसके साथ में ही जो मेडिकल और हाइजीन रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी इनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल स्पेसिफिकेशंस एक्सेप्टेंस एंड
स्टोरेज शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न। जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल कितना स्पेसिफिक होगा, उसकी एक्सेप्टेंस कितनी हो और उसका स्टोरेज कैसा किया जाना चाहिए, ये सब जो प्रोविजंस दिए होते हैं, चाहे वो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे वो हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हो, जो भी प्रोविजंस होंगे उनके अकॉर्डिंग ही रॉ मटेरियल को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट आता है, रॉ मटेरियल शुड बी सेलेक्टेड फॉर देयर एबिलिटी टू विदस्टैंड फ्रीजिंग एंड थॉइंग साइकिल। रॉ मटेरियल सेलेक्ट तो कर लिया गया है, लेकिन सेलेक्ट करने के बाद में ये देखनी चाहिए कि वो कितनी फ्रीजिंग टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकती हैं और थॉइंग साइकिल को कैसे एक्सेप्ट कर सकती हैं। इस एबिलिटी के बेस पे रॉ मटेरियल्स को सेलेक्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, इनकमिंग हाई रिस्क फूड्स। जो हाई रिस्क फूड्स होते हैं सच एज मीट, पोल्ट्री एंड फिश, शुड बी सब्जेक्टेड टू माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग। इन सभी चीज़ों के लिए, जो भी मीट है, पोल्ट्री हैं, ये हाई रिस्क वाले प्रोडक्ट हैं, इनमें रिस्क ज़्यादा है, तो इनकी प्रॉपर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये हाई रिस्क फूड हैं और इनमें कंटेमिनेशन का रिस्क बहुत हाई होता है, इसीलिए इनकी प्रॉपर टेस्टिंग तो होनी ही चाहिए। कोई भी हो, चाहे वो मीट इंडस्ट्री हो, चाहे वो पोल्ट्री इंडस्ट्री हो, चाहे वो फिश हो, हर प्रकार के इन तरीके के फूड्स का कंटेमिनेशन से बचाने के लिए प्रॉपर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग की जानी चाहिए। सच रॉ मटेरियल शुड बी टेम्पोरली क्वारंटाइन्ड। अब इनको करना क्या चाहिए, कुछ समय के लिए टेम्परेरी तरीके से क्वारंटाइन किया जाना चाहिए इस रॉ मटेरियल को। क्वारंटाइन का मतलब होता है कि इधर उधर चीज़ों से कोई भी कांटेक्ट ना हो। अब तो क्वारंटाइन का मतलब शायद सभी लोग ही समझ चुके होंगे, क्योंकि सभी आइसोलेशन में, जो अगर कोई कोविड पॉजिटिव रहा है, क्वारंटाइन में रह चुका होगा, आइसोलेशन में रह चुका होगा, तो क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि चीज़ को एकदम से आइसोलेट कर दिया जाता है, ताकि उनमें कोई भी कंटेमिनेशन ना हो, और अगर थोड़ा बहुत हो भी तो अपने आप ही वो एलिमिनेट किया जा सके। Until test results are available, जब तक कि टेस्ट का रिजल्ट ना आ जाए तब तक ये क्वारंटीन होनी चाहिए, क्योंकि भाई अगर आप टेस्ट के रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे और मटेरियल को ऐसे ही यूज़ कर लेंगे, तो ये तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, आगे चल के जो कंटेमिनेशन है वो आगे बढ़ सकता है। दैट इज़ अ पॉजिटिव रिलीज सिस्टम मस्ट बी इन प्लेस। एक पॉजिटिव रिलीज सिस्टम होना चाहिए, जो कि डिसाइड करेगा कि कब मैटर को, जो क्वारंटाइंड है, उसको रिलीज करना है और कब कैसे क्या वर्क करना है। नेक्स्ट आता है, फ्रीजिंग डज नॉट डिस्ट्रॉय एनी माइक्रोबियल टॉक्सिन्स। फ्रीजिंग जो की जाती है, फ्रीजिंग में कोई भी माइक्रोबियल टॉक्सिन्स का डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है, माइक्रोबियल टॉक्सिन्स इंटैक्ट रहते हैं। दैट मे हैव बीन फॉर्म्ड, जो कि बन चुके होते हैं, एकदम से टॉक्सिन्स रेडी होते हैं, उनमें फ्रीजिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अभी आपने फ्रीज कर दिया, कुछ समय के लिए वो सप्रेस हो गए, पूरी एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनको नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा, वो दोबारा से उसी टेम्परेचर पे आके अपना काम शुरू कर देंगे। तो इसलिए जो फ्रीजिंग होती है, ये माइक्रोबियल टॉक्सिन्स को ये एलिमिनेट नहीं करती है। एंड डज नॉट एलिमिनेट the possibility of microbial problems at a later stage, और ये इस possibility को भी eliminate नहीं करती है कि आगे चल के कोई भी problem नहीं होगी, क्योंकि later stage पे problem हो सकती है। जो toxins हैं वो तो suppress हुए थे, वो पूरी तरीके से degrade तो हो नहीं गए थे, destroy तो हो नहीं गए थे, तो वो जो toxins present हैं, तो बहुत chances हैं कि वो आगे चल के problems को create कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, फॉर्मूलेशन। द फ्रीजिंग ऑफ फूड विल नॉट इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। जो फ्रीजिंग होती है, फ्रीजिंग क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करती। सीधी बात है, फ्रीज आप करते हैं तो फ्रीज करने से उसकी क्वालिटी नहीं बदल जाएगी। जिस क्वालिटी की चीज़ आपने रखी है, आपको उसी क्वालिटी की चीज़ मिलने वाली है।
The flavor of some spices and other flavors can be changed quite drastically on freezing and subsequent storage. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि कुछ स्पाइसेस हैं, इनके फ्लेवर और इसके साथ ही कुछ अदर फ्लेवर्स भी होते हैं जो कि ड्रास्टिकली चेंज हो सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये रिमूव नहीं कर रहा है, इम्प्रूव नहीं कर रहा है क्वालिटी को, स्टिल इसमें जो तो चीज़ें हैं वो फ्लेवर है और कोई और भी चीज़ें हैं उनको चेंज कर सकते हैं। फ्रीजिंग पे फ्लेवर चेंज हो सकता है और साथ ही जो स्टोरेज कंडीशन है उन पे भी डिपेंड करके फ्लेवर चेंज हो सकता है। अब आता है प्रोसेसिंग। प्रिपरेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स शुड बी कैरीड आउट इन एरियाज सेग्रीगेटेड फ्रॉम दोज कंसर्न्ड विद कुक्ड बैलेंस्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो रॉ मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल की प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि जिस एरिया में उसकी प्रिपरेशन की जा रही है वो एरिया एकदम से सेग्रीगेट होना चाहिए, एकदम से अलग पोर्शन होना चाहिए। और इसके साथ ही ये कुक्ड जो प्रिपेयर्ड फूड हैं, जो बैलेंस्ड फूड हैं या जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी नहीं होना चाहिए। हाई रिस्क रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल पोल्ट्री हाई रिस्क रॉ मटेरियल है, मीट है, फिश है, ये सारे हाई रिस्क रॉ मटेरियल हैं, इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है कंटेमिनेशन का। सो दीज हाई रिस्क रॉ मटेरियल्स शुड बी प्रिपेयर्ड इन रूम्स कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम कुक्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये चीज़ें जो हैं हाई रिस्क प्रोडक्ट हैं, इनको ऐसे रूम में इनका प्रिपरेशन करना चाहिए जो एकदम से फिनिश्ड प्रोडक्ट से या कुक्ड फूड से एकदम से अलग हो, और प्रॉपर वॉल्स हों, फ्लोर से सीलिंग तक पूरा एकदम आइसोलेट होना चाहिए, कोई भी तरीके का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो भी मटेरियल है, जो भी आपका रॉ मटेरियल है, उसकी क्वालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। फॉर द प्रोडक्शन एरिया एंड इक्विपमेंट, जो प्रोडक्शन एरिया होता है और इसके साथ ही जिन इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है, अगर उनकी बात करें, सो अ क्लीन एज यू गो, दैट इज़ रिजर्व शुड बी इंस्टीट्यूटेड। जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं उस चीज़ को क्लीन होना चाहिए। डेब्रिस एंड ग्रॉस सॉइलिंग बीइंग कॉन्स्टेंटली रिमूव, कोई भी तरीके की डेब्रिस है या फिर कोई भी सॉइलिंग है तो उस चीज़ को कॉन्स्टेंटली रिमूव्ड किया जाना चाहिए। एंड ईच डे अ मेजर स्ट्रिप डाउन एंड क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑपरेशन शुड बी कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू अ वैलिडेटेड डॉक्यूमेंटेड क्लीनिंग शेड्यूल। हर दिन जो मेजर स्ट्रिप डाउन और क्लीनिंग के प्रोसेसेस होते हैं, इसके साथ ही जो डिसइंफेक्शन ऑपरेशंस होते हैं वो किए जाने चाहिए हर दिन। और ये ऐसे नहीं कि क्लीनिंग किसी भी तरीके से कर दी, जो वैलिडेटेड जो डॉक्यूमेंटेड शेड्यूल है क्लीनिंग का, जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्लीनिंग की प्रोसेस होनी चाहिए। मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ CCPs could involve, कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जैसे कि मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर एंड रेजिडेंस टाइम। टेम्परेचर का मेजरमेंट और साथ ही जो रेजिडेंस टाइम है, वहाँ का जो लोकल टाइम है, उसका मेजरमेंट होना चाहिए ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल। अगर किसी भी मटेरियल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, ये रेगुलर इंटरवल्स पे होना चाहिए थ्रू आउट द शिफ्ट। कोई भी शिफ्ट ले ली तो उस शिफ्ट में टेम्परेचर और रेजिडेंस टाइम का मेजरमेंट एक फ्रिक्वेंटली होना चाहिए, बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत ज़्यादा टाइम होना चाहिए जितने भी टाइम तक वो शिफ्ट चलती है। असेसमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ बिल्डअप ऑफ फूड डेब्रिस और होल्डिंग टाइम ऑफ फूड मटेरियल्स। जो बिल्डअप है फूड डेब्रिस का, जो बिल्डअप है उसका डिग्री का असेसमेंट होना चाहिए, और साथ ही जो फूड मटेरियल है उसका होल्डिंग टाइम क्या है, उस होल्डिंग टाइम का भी असेसमेंट होना चाहिए प्रायर टू और ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अब ये तो प्रोसेसिंग से या तो पहले हो सकता है
या फिर प्रोसेसिंग के दौरान हो सकता है। एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स थ्रू आउट द शिफ्ट, और ये भी इस तरीके से होना चाहिए कि ये रेगुलर इंटरवल्स पे हो और थ्रू आउट द शिफ्ट इस प्रोसेस को किया जाए, जो पूरी शिफ्ट जितने टाइम तक चले तब तक इस प्रोसेस को रिपीट किया जाए। अब आता है कलेक्शन एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ स्वैब और फूड सैंपल्स एट डेजिग्नेटेड इंटरवल्स। अगर कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग हो रही है या जो कलेक्शन हो रहा है स्वैब या जो भी फूड सैंपल है, उसका एक डेजिग्नेटेड इंटरवल पे टेस्टिंग होनी चाहिए। डेजिग्नेटेड इंटरवल मतलब कोई भी टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लिया है कि एक एक घंटे के बाद में ये टेस्टिंग होनी है, तो फिर एक एक घंटे के बाद में करनी ही है। ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन रन, जो प्रोडक्शन रन होता है, जो प्रोसेसिंग चल रही है फूड प्रिपरेशन की, उसके दौरान। If the product is positively released on the basis of the sample result, अगर किसी भी product को release कर दिया गया है, positively release हो गया है product on the basis of sample result, जो sample के result आए उस base पे उसको release कर दिया गया, so this is monitoring, इसको बोला जाता है monitoring। Otherwise, if a negative release system is in place, अगर कोई भी negative release system होता है उस जगह पे, दिस इज़ वेरिफिकेशन एक्टिविटी। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि अगर कोई भी पॉजिटिवली रिलीज का सिस्टम है तो उस सिस्टम को बोला जाता है मॉनिटरिंग, और अगर कोई भी निगेटिव रिलीज सिस्टम है तो ये जो निगेटिव रिलीज सिस्टम है इसको बोला जाता है वेरिफिकेशन। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ है, उम्मीद है आप लोग याद भी रखेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट है असेसमेंट टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फिजिकल हैजार्ड। अगर किसी भी तरीके का फिजिकल हैजार्ड प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट में उस फिजिकल हैजार्ड के प्रेजेंस का असेसमेंट किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेटल डिटेक्शन, जैसे कि अगर कोई भी मेटल प्रेजेंट है तो उस मेटल का डिटेक्शन हो, कोई भी मैग्नेट वगैरह प्रेजेंट है तो उसका डिटेक्शन हो। एक्सरे और इमेजिंग इक्विपमेंट, जो अगर एक्सरे है या कोई इमेजिंग के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किया जा रहा है उसका प्रॉपर डिटेक्शन होना चाहिए। अब आता है क्वालिटी प्लान। अ क्वालिटी प्लान शुड ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड टू मॉनिटर रॉ मटेरियल। जो क्वालिटी प्लान है उसको रॉ मटेरियल के मॉनिटरिंग के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। एंड प्रोडक्ट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एट क्वालिटी पॉइंट्स, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है ये प्रोडक्ट के क्वालिटी पॉइंट्स को एट्रीब्यूट करती है। एंड सी क्यू पीज को आइडेंटिफाई करती है इन द प्रोसेस विद द एसोसिएटेड मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़। और ये करती कैसे है, जो मॉनिटरिंग की और जो वेरिफिकेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं ये उनके बेस पे किया जाता है। मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन की एक्टिविटीज़ क्या थी, जो मॉनिटरिंग की एक्टिविटी थी वो थी पॉजिटिव वाली एक्टिविटी, और जो वेरिफिकेशन की एक्टिविटी थी वो निगेटिव एक्टिविटी थी। अब आता है स्टोरेज। फ्रोजन स्टोरेज मस्ट बी एडिक्वेटली कंट्रोल्ड, जो फ्रोजन स्टोरेज होता है ये प्रॉपर कंट्रोल्ड होना चाहिए। टू प्रिवेंट एक्सेसिव बिल्डअप, ताकि एक्सेसिव बिल्डअप को प्रिवेंट किया जा सके। ऑफ आइस, आइस के एक्सेसिव बिल्डअप को प्रिवेंट किया जाए। भाई आपने फ्रीजिंग के लिए रखा तो अगर फ्रीज होने के बजाय उसमें बहुत ज़्यादा आइस क्रिस्टल्स बन गए तब भी तो वो प्रॉब्लम करेंगे, इसीलिए एक्सेसिव बिल्डअप को रोका जाना चाहिए ताकि जो वॉल्स हैं, फ्लोर्स हैं, जो सीलिंग्स हैं वहाँ पे एक्सेसिव बिल्डअप ना हो। द मॉनिटरिंग एंड कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑफ स्टोरेज एयर टेम्परेचर, जो एयर टेम्परेचर है उसकी कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए यूजिंग कैलिब्रेटेड प्रोब्स, और इसके लिए कैलिब्रेटेड प्रोब्स का यूज़ किया जाता है, इज एसेंशियल। कैलिब्रेटेड प्रोब्स का यूज़ एसेंशियल है। The number and location of temperature probes should be such as to ensure effective monitoring. जो नंबर है, जो लोकेशन है टेम्परेचर प्रोब्स की,
ये इफ़ेक्टिव होनी चाहिए और मॉनिटरिंग जो है वो भी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए. रिकॉर्ड्स शुड बी मेंटेन्ड दैट डिटेल एनी इंसिडेंट एंड द करेक्टिव एक्शन टेकन. रिकॉर्ड्स इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से मेंटेन किए जाने चाहिए कि कोई भी इंसिडेंट है या कोई भी करेक्टिव एक्शन अगर लिया गया है तो उसकी पूरी डिटेल उस रिकॉर्ड में मिले. रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट टेम्परेचर्स, जो रॉ मटेरियल है और जो प्रोडक्ट का टेम्परेचर है, शुड ऑल्सो बी मॉनिटर्ड टू इंश्योर दैट दे रिमेन विद इन एक्सेप्टेबल लेवल. जो प्रोडक्ट का टेम्परेचर है, जो रॉ मटेरियल है, इनकी भी मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि वो एक्सेप्टेबल लेवल में ही हैं. अब आता है फ्रीजिंग. रैपिड एंड वेल कंट्रोल्ड फ्रीजिंग, रैपिड और वेल कंट्रोल्ड फ्रीजिंग होनी चाहिए विदाउट डिले आफ्टर प्रिपरेशन इज एसेंशियल. कोई भी तरीके का डिले नहीं देखा जाना चाहिए फ्रीजिंग में जब पूरी सी पूरी प्रिपरेशन प्रोडक्ट की हो चुकी हो उसके बाद में. एट अ रेट अप्रोप्रिएट टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, अब जो फ्रीजिंग है इसका रेट ऐसा होना चाहिए कि जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसके लिए ये अप्रोप्रिएट हो. मैकेनिकल डैमेज टू द टेक्सचर ऑफ सेलुलर प्रोडक्ट कैन रिजल्ट फ्रॉम स्लो ग्रोथ ऑफ लार्ज आइस क्रिस्टल्स. अगर लार्ज आइस क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत बड़े बड़े से आइस क्रिस्टल्स बन रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का मैकेनिकल डैमेज देखा जा सकता है. फ्रीजिंग शुड नॉट बी रिगार्डेड एज कम्प्लीट अंटिल अ टेम्परेचर ऑफ -18 डिग्री सेंटीग्रेड हैज़ बीन रीच्ड एट द थर्मल सेंटर ऑफ द फूड. जो टेम्परेचर है -18 डिग्री सेंटीग्रेड का, जब तक ये थर्मल सेंटर तक नहीं पहुँच जाए तब तक फ्रीजिंग को कम्प्लीट नहीं माना जाना चाहिए. द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द फूड नीड्स टू बी कंसिडर्ड. जो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी है फूड की उसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए. नेक्स्ट है पैकेजिंग. पैकेज्ड फ्रोजन फूड्स मस्ट कैरी द स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस. जो पैकेज्ड फूड होते हैं उनको किस तरीके से स्टोर करना है ये इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दिए जाने चाहिए. नेसेसरी टू वैलिडेट द स्टेटेड इंडिकेशन ऑफ मिनिमम ड्यूरेबिलिटी, ताकि जो मिनिमम उनकी ड्यूरेबिलिटी है, जिस समय तक वो सुरक्षित रह सकते हैं उस समय तक उनको सुरक्षित रखा जा सके. व्हेन पैकिंग इन बल्क फॉर लेटर रीपैकिंग, अगर बल्क में पैकिंग की जा रही है कि उनको बाद में रीपैक किया जाएगा, सो सच सैक्स और पैलेटेनर्स शुड बी लेबल्ड विद प्रोडक्शन डेट, प्रोसेस डिटेल्स एंड वैरायटी एंड प्रोडक्शन बैच टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन एट अ लेटर डेट. तो अगर ये बल्क पैकिंग हो रही है तो जो कंटेनर्स वगैरह होते हैं उनको इस तरीके से लेबल करना चाहिए कि उन पर प्रोडक्शन का डेट हो, प्रोसेस की डिटेल हो और जो प्रोडक्ट है उसकी वैरायटी और सारे आइडेंटिफिकेशन उस पर लेबल होने चाहिए. एंड यूजर पैक्स शुड बी लेबल्ड विद रीपैक डिटेल, और जो एंड यूजर पैक्स होते हैं उनको रीपैकिंग की डिटेल के साथ में लेबल किया जाना चाहिए. एंड ड्यूरेशन डेट्स, उनकी ड्यूरेशन क्या है वो भी वहाँ पे होनी चाहिए. अब आता है कोल्ड चैन. व्हाट इज कोल्ड चैन? प्राइमरी लॉन्ग टर्म दैट इज 3 months और मोर. स्टोर्स शुड बी मेंटेन्ड एट और कोल्डर देन -26 डिग्री सेंटीग्रेड. जो प्राइमरी लॉन्ग टर्म होते हैं इनको लगभग -26 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन किया जाना चाहिए. टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस ऑफ मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड कुड बी अवॉइडेड. अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन है तो इसको अवॉइड किया जाना चाहिए. एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन केप्ट टू मिनिमम. जो वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी है
इसको मिनिमम रखे जाने की कोशिश की जानी चाहिए। द मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ स्टोरेज यूनिट एयर टेम्परेचर यूजिंग कैलिब्रेटेड टेम्परेचर प्रोब्स इज एसेंशियल। जो मॉनिटरिंग है, रिकॉर्डिंग है एयर टेम्परेचर की यूनिट्स की, ये कैलिब्रेटेड टेम्परेचर मेथड्स, कैलिब्रेटेड प्रोब्स का यूज़ करके की जानी चाहिए, और मॉनिटरिंग और रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी होती है। ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द प्राइमरी कोल्ड स्टोर्स, जब प्राइमरी कोल्ड स्टोर्स की डिलीवरी हो रही होती है, प्रोडक्ट शुड नॉट बी एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट। प्रोडक्ट को डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज नहीं किया जाना चाहिए, या फिर विंड और रेन में भी इसको एक्सपोज नहीं किया जाना चाहिए। ट्रांसफ़र शुड बी कैरीड आउट विद अ मिनिमम ऑफ एक्सपोजर, मिनिमम एक्सपोजर के साथ में ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए टू आउटसाइड टेम्परेचर कंडीशन, जो बाहर की टेम्परेचर कंडीशंस हैं उनके साथ में मिनिमम एक्सपोजर हो, इस कंडीशन को मेंटेन करके ही ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए। साइक्लिक वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर वेदर अबव और बिलो, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, अगर साइक्लिक वेरिएशन हो रहा है द रिकमेंडेड टेम्परेचर, अगर रिकमेंडेड टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, साइक्लिक वेरिएशन उसमें हो रहा है, इज अनडिजायरेबल एज इट एसिलरेट्स डिहाइड्रेशन इवन इन हर्मेटिकली सील्ड पैक्स। अगर साइक्लिक वेरिएशन हो रहा है टेम्परेचर में तो ये डिहाइड्रेशन करवा देगा, चाहे कितना भी सील पैक मैटर हो आपका, उसमें ये साइक्लिक वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। वेन इट कॉजेज माइग्रेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम प्रोडक्ट टू फॉर्म स्नो इनसाइड दी पैकेजिंग, क्योंकि ये क्या करेगा, ये मॉइस्चर का माइग्रेशन करेगा ताकि जो पैकेजिंग है उसके अंदर ये स्नो बना दे। नेक्स्ट है टेम्परेचर मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग इन ऑल डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स होते हैं जहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उनमें प्रॉपर टेम्परेचर मॉनिटरिंग होनी चाहिए और रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। एंड होल्डिंग सेंटर्स शुड बी सच दैट रेलिवेंट पर्सनल आर एबल टू वेरीफाई द टेम्परेचर ऑफ व्हीकल एंड कोल्ड स्टोर्स। जो रिकॉर्डिंग है डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स की, वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, और जो होल्डिंग सेंटर्स हैं, ताकि जो रिलीवेंट पर्सनल्स हैं, जो लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, वो टेम्परेचर को वेरीफाई कर सकें और कोल्ड स्टोर्स को वेरीफाई कर सकें। नेक्स्ट आता है लेजिस्लेशन। द क्विक फ्रोजन फूड स्टफ रेगुलेशन 2007, क्विक फ्रोजन फूड स्टफ रेगुलेशन 2007 में दिया गया, इम्प्लीमेंटिंग ईसी 37 2005, ये इम्प्लीमेंट करता है ईसी 37 2005 को, एंड रिप्लेसिंग द क्विक फ्रोजन फूड स्टफ रेगुलेशन, जो 1990 में दिया गया था उसको ये रिप्लेस करता है, प्रोहिबिटिंग द प्लेसिंग ऑन द मार्केट ऑफ अ क्विक फ्रोजन फूड स्टफ अनलेस सर्टन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये रिप्लेस कर देता है जो 1990 वाला एक्ट दिया गया, रेगुलेशन दिया गया, और जो मार्केट है क्विक फ्रोजन फूड स्टफ की, जब तक कि कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हो जाती हैं, और वो कंडीशंस क्या हैं, QFF produced by a manufacturer that is to be marketed in its packaging to the ultimate consumers, जो QFF produce किया गया है किसी भी manufacturer के द्वारा, ये ultimate customer तक अपने पहुँचना चाहिए, या फिर जो caterer होते हैं और जो caterer के पास पहुँच रहा है उन पर label ज़रूर होना चाहिए। In addition to normal labeling requirement, जो नॉर्मल लेबलिंग रिक्वायरमेंट होती हैं उनके अलावा भी इनके पास में प्रॉपर लेबल होना चाहिए। और कुछ लेबलिंग में क्या होना चाहिए, जैसे कि क्विक फ्रोजन फूड है तो उस पर ये इंडिकेटेड होना चाहिए कि ये क्विक फ्रोजन है। डेट ऑफ मिनिमम ड्यूरेबिलिटी, मिनिमम ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कितने समय तक ये सुरक्षित रह सकता है, और फिर बेस्ट बिफोर डेट कि किस समय तक ये बेस्ट रहेगा, बेस्ट बिफोर डेट वहाँ पर मेंशन होनी चाहिए।
नेक्स्ट आता है द मैक्सिमम एडवाइजेबल स्टोरेज टाइम, कितने समय तक उसको स्टोर करके रखा जाना चाहिए, ये चीज़ भी वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है द टेम्परेचर और द इक्विपमेंट दैट शुड बी यूज्ड टू स्टोर इट, किस टेम्परेचर पे किन इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाना चाहिए ताकि इसको स्टोर करके रखा जाना जा सके, ये इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें अ बैच और लॉट मार्क भी यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा वार्डिंग सच एज डू नॉट फ्रीज आफ्टर डीफ्रॉस्टिंग, कि डीफ्रॉस्टिंग के बाद में इसको रीफ्रीज ना करें, अगर इस तरीके की कोई वार्निंग है तो वो भी वहाँ